हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टेस्ट कहते हैं इंग्लिश एक्सरसाइज 1 to 20, उस पर थोड़ा हम बात करेंगे। आप सब ने ऑलमोस्ट ठीक किया है, लेकिन बहुत जगह पे गलतियाँ हुआ है। तो हम लोग ने एक्सरसाइज 1 से लेकर 22 तक किए थे, उसमें हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1 में 2 में क्या क्या क्वेश्चंस थे। एक्सरसाइज 1, इसमें आपको बताना था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। तो इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 9 में ये थे द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड सन, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में नो मैन कैन सर्व 2 मास्टर्स। इसमें आपको पता होना है कि हम जब भी लिखते हैं या बोलते हैं इंग्लिश, तो उसमें किसी का बारे में या किसी जगह का कोई पर्सन का बारे में बोलते हैं और उसका पोजीशन या उसका काम पर बात करते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट। तो और जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। तो यहाँ आप देखिए द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो हम लोग आर्ट की बात करते हैं और उसका एक्शन है रिवॉल्विंग राउंड द सन, तो इसमें है आर्ट, द आर्ट सब्जेक्ट होगा और रिमेनिंग जितने भी वर्ड्स है, रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का, वो है प्रेडिकेट। इसी तरह नो मैन कैन सर्व 2 मास्टर्स, इसमें किसी ने लिखा है 2 मास्टर्स सब्जेक्ट, या किसी ने लिखा है मैन, वो गलत है। नो मैन सब्जेक्ट होगा, नो मैन सब्जेक्ट होगा, नो मैन। उसके बाद बाकी रिमेनिंग जो है वो प्रेडिकेट होगा हम लोगों का। उसके बाद हम लोगों का एक्सरसाइज 2, उसमें थे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको ये पता करना था कि ये जो इटालिक्स में वर्ड लिखा है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड, इसमें इटालिक्स वर्ड है आफ्टर, तो किसी ने इसको लिखा है एडवर्ब या एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव ठीक है, एडवर्ब गलत है, क्योंकि इसमें इफेक्ट्स को क्वालिफाई कर रहा है आफ्टर इफेक्ट्स, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जनरली एडवर्ब होता है लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसके बाद आपका है ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक, द फास्ट को भी कोई फास्ट को एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखा है जो कि गलत है, यहाँ पे फास्ट नाउन का रूप में काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये नाउन होगा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3, इसमें आपको नाउन्स दिया है वो सेंटेंसेस में, उसमें आपको पता करना है कि ये नाउन्स क्या नाउन है, कॉमन है ना, प्रॉपर है ना, कलेक्टिव है ना, एब्स्ट्रैक्ट है। तो हमारा क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 8, वी सॉ ए फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर, इसको बहुत लोगों ने सही किया है लेकिन बहुत लोगों ने गलतियाँ भी की है। फ्लीट ये होता है ग्रुप होता है, तो फ्लीट कलेक्टिव होगा, शिप्स कॉमन नाउन है और हार्बर कॉमन नाउन है। उसी तरह फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, इसमें हेल्थ एंड हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, ऐसे चीज को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, या आर्डर पार्ट ऑफ सेंटेंसेस से जो नाउन बनाता है, जैसे हैप्पी है, हैप्पी से हैप्पीनेस हुआ, तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद लास्ट इसमें क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द जूरी, इसमें बहुत लोगों ने वर्डिक्ट को भूल गया, वर्डिक्ट एब्स्ट्रैक्ट होगा, और जेंटलमैन जो है वो कॉमन नाउन है, उसका प्लूरल है, लेकिन इसको कोई कलेक्टिव नाउन भी बोला है, और जूरी को भी कोई भूल गए, जूरी ग्रुप ऑफ जजेस, तो ये है आपका
कलेक्टिव नाउन। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर आई मीन एक्सरसाइज नंबर 5। यहाँ से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना था, तो इसमें हम लोगों ने कोई एडजेक्टिव से बनाना था, कोई वर्ब से बनाना था, कोई कॉमन नाउन से बनाना था। तो इसमें हमने 6 दिए थे, फ्री, नोबल, सी, एक्ट, किंग एंड रस्कल। तो फ्री से फ्रीडम होता है, नोबल से नोबलिटी होता है, और सी से साइट होता है, सी से साइट होता है, और एक्ट से एक्शन, किंग से कोई कोई किंगहुड दिया, ठीक है, किंगशिप भी ठीक होगा, किंगडम भी ठीक होगा। रस्कल को बहुत लोगों ने नहीं किया है, ऐसे रस्कल का जनरली हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ नहीं करते, फिर भी उसका होता है रस्कलिज्म या रस्कलिटी। उसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज 6, इसमें आपको बताना था कि ये सेंटेंसेस में एडजेक्टिव्स कहाँ हैं और एडजेक्टिव्स का क्लास क्या है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3, एवरी डॉग हैज हिज डे, इसमें है आपका एवरी। एवरी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8, ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, इसमें फ्यू इज एडजेक्टिव, तो फ्यू इज ऑल्सो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लेकिन इनडिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 7, इसमें आपको सुइटेबल एडजेक्टिव्स डालना था, फिलअप करना था। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 13 एंड हाँ क्वेश्चन नंबर 1 एंड 13 था। तो इसमें आपको द टाउन स्टूड, इसको बहुत लोगों ने नहीं लिखा, आप कंप्लीट सीज भी लिख सकता है या फियरफुल सीज भी लिख सकता है, वो आपका मर्जी है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज जॉब, इसको कोई कोई सेवरल लिखा, ऐसा नहीं होगा। तो एवरी होने से एवरी मैन मीन्स एवरी सिटीजन, तो एवरी सिटीजन मीन्स एवरी वन ऑफ ऑल द सिटीजन्स, तो ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं, उसमें से आपको यूज़ करना था। तो क्वेश्चन ए का 1, द मेजोरिटी एक्सेप्टेड द लेटर प्रपोजल, लेटर डबल टी वाला, वो है पीछे वाला प्रपोजल। उसके बाद है एल्डर एंड ओल्डर, आई हैव एन एल्डर सिस्टर, यानी कि हमसे बड़ा को एल्डर बोलता है, ओल्डर जनरली एज के लिए बोलता है, एल्डर आपका जो रैंक या पोजीशन के लिए बोलता है। उसके बाद आपका है ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट का भी यूज़ करना है, रुस्तम इज द एल्डेस्ट ऑफ माय अंकल्स 5 सन्स, तो 5 सन्स में से एल्डेस्ट है बोल के बताना है आपको, ओल्डेस्ट नहीं। उसके बाद फादर एंड फादर, फादर भी एक है आपका टाइम को डिनोट करता है, एक प्लेस को डिनोट करता है, आई कांट वॉक एनी फर्दर, ये यू वाला आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द लेटेस्ट और लास्ट, इसमें भी लेटेस्ट मतलब टाइम का डिनोट करता है और लास्ट मतलब पोजीशन का, तो इसमें आपका होगा द लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम चाइना। उसके बाद है आपका फिल इन द ब्लैंक नियरेस्ट और नेक्स्ट, वो भी वही है, नियरेस्ट आएगा क्योंकि नियरेस्ट डिनोट करता है आपका प्लेस और नेक्स्ट है पोजीशन या ऑर्डर को। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 15, इसमें आपको जस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव का डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताना था। जैसे मेक लेस नॉइज, तो इसमें लेस है कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 में आपका ऑफेन रिव्यू इज़ बेटर देन सीक्रेट लॉ, तो इसमें आप लोगों ने बहुत लोगों ने बेहतर को सिर्फ किया है, ओके बेहतर है आपका कॉम्परेटिव डिग्री, लेकिन इसमें ओपन एंड सीक्रेट ये भी एडजेक्टिव का रूप में यूज़ कर रहा है, तो दोनों है पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज था एक्सरसाइज 17, इसमें आप कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव डिग्री लगाना है एडजेक्टिव का। तो क्वेश्चन 1 तो ऑब्वियसली हाउ इज योर ब्रदर टुडे, इज ही बेटर, बेटर होगा कि कॉम्परेटिव है
उसके बाद एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन नंबर 13 है, देर इज़ नो एनिमल. जब कंपेयर करता है ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव होगा. कॉम्पिटिटिव के लिए पेरोसियस का मोर पेरोसियस होता है. उसके बाद आपका है हाँ ये दो ही है लगता है इसमें. उसके बाद आपका नेक्स्ट है एक्सरसाइज 18. इसमें भी कॉम्पिटिटिव या सुपरलेटिव लगाना है. इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 1, प्रिवेंशन इज ऑब्वियसली बेटर देन क्योर होगा. उसका बाद एक्सरसाइज 11, द एफिल टावर इज देन कुतुब मीनार. तो इसमें आपको पता लगाना है कि ये हाइट का कंपेयर हो रहा है, एज का नहीं. तो किसी ने इसमें ओल्डर लिखा है, ओल्डर ऐसे भी गलत है, तो इसमें आप नहीं लिखना, इसमें टॉलर लगाना. उसका बाद है हु वाज द जनरल एलेक्जेंडर और सीजर. ये इसमें भी कॉम्पिटिटिव है. आप माइटियर भी लिख सकते हैं, ग्रेटर भी लिख सकते हैं, तो इट्स ओके. उसके बाद हम लोग का लास्ट एक्सरसाइज था एक्सरसाइज नंबर 20. इसमें आपको डिग्री चेंज करना है, डिग्री ऑफ कंप्लीजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 21. तो इसमें जैसे कि मलाका इज द ओल्डेस्ट टाउन इन मलेशिया. तो इसमें आप ओल्डेस्ट आपका सुपरलेटिव है, इसको पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव में बदलना है. बहुत लोगों ने 100 लिखा है, 100 गलत होगा, एज होगा. तो इसमें होगा मलाका इज ओल्डर देन एनी अदर टाउन इन मलेशिया. ये एक तो होगा आपका कंपैरेटिव में. एंड पॉजिटिव में होगा नो अदर टाउन इन मलेशिया इज एज ओल्ड एज मलाका. बहुत लोगों ने 100 ओल्ड एज लिखा है, 100 ओल्ड गलत है. उसके बाद आपका लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल. ये है आपका कॉम्पिटिटिव में, इसको आप सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव बनाना है. तो इसमें आपका ऑब्वियसली लीड इज द हैवियस्ट ऑफ ऑल मेटल आप लिख सकता है, या लीड इज द हैवियस्ट मेटल वो भी चल जाएगा. उसका बाद नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लीड, ये होना चाहिए. उसका बाद नेक्स्ट है आपका लास्ट, ये है अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ये है सुपरलेटिव में, तो इसको आपको पॉजिटिव एंड कॉम्पिटिटिव में बनाना है. तो इसके कॉम्पिटिटिव में होगा अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड. ऑब्वियसली एक तो ये होगा. और पॉजिटिव में होगा नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज अमेरिका. इतने में आपका सही होता है. और कोई कोई स्टूडेंट लोगों ने दूसरा किताब से एक्सरसाइज सॉल्व किया लगता है, और कोई कोई अपना किताब से एक्सरसाइज सॉल्व किया है, और कोई कोई कॉपी किया है. तो पता चल गया कॉपी नहीं करना है. हाँ ये कमिंग फ्राइडे को हम लोग फिर एक्सरसाइज 21 से 35 तक करेंगे. सो आप सब रेडी रहिएगा, फिर पढ़िएगा अच्छे से. उसके बाद कोई कॉपी ना करें, आज से इंग्लिश ग्रामर पढ़िएगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आएंगे. और नए भी आते हैं तो आपका एवरीडे लाइफ में फ्यूचर में काम आएंगे. तो इंग्लिश ग्रामर जानना बहुत ज़रूरी है, और इंग्लिश लैंग्वेज आप जितना हो सके जानने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका मैथ्स भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, और साइंस भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिस्ट्री इंग्लिश में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी इंग्लिश में पढ़ते हैं.